हाय गाइस, माय नेम इज नितेश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में ड्रॉप आउट लेयर्स के बारे में पढ़ा था, हमने सारा का सारा थ्योरी डिस्कस किया था और जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी उसको हम लोग इस वीडियो में एक कोड के थ्रू समझेंगे। ठीक है, सो पिछला वीडियो थ्योरी था, आज का वीडियो उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगा। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको ड्रॉप आउट लेयर्स दोनों सिचुएशंस में लगा के दिखाऊंगा, रिग्रेशन में भी और क्लासिफिकेशन में भी। ऑल्सो ये दोनों चीजें करने के बाद मैं आपको अपनी साइड से कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा ड्रॉपआउट्स को यूज करने में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, ये कोड पहले से लिखा हुआ है। इनफैक्ट ये कोड मैंने एक गिटहब रेपोजिटरी से उठाया है, उस गिटहब रेपोजिटरी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहुत ही सिंपल सा कोड है और ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो शुरू में कोड है ये डेटा को जनरेट करने का कोड है। यहाँ पे मैंने अपना एक्स ट्रेन वाई ट्रेन और एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट को जनरेट किया है और जब मैंने उसको प्लॉट किया तो हमारा डेटा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यू कैन सी यहाँ पे जो ब्लैक पॉइंट्स हैं ये आपके ट्रेनिंग पॉइंट्स हैं और जो रेड पॉइंट्स हैं वो आपके टेस्टिंग पॉइंट्स हैं। ऑल्सो एक चीज आप नोटिस कर सक रहे होगे आई गेस कि जो डेटा है वो लीनियरली काइंड ऑफ अलाइंड है, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हम यहाँ पे रिग्रेशन अप्लाई करेंगे, हमें एक कर्व, एक लाइन सॉर्ट ऑफ ड्रॉ करना है जो इस डेटा के अंदर का जो रिलेशनशिप है उसको कैप्चर कर पाए। सो मैंने सबसे पहले क्या किया है कि एक ANN बनाया है। ANN का आर्किटेक्चर बहुत ही सिंपल है, देर आर इन टोटल फोर लेयर्स, एक इनपुट है, दो हिडन है और एक आउटपुट है। दोनों हिडन लेयर्स में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो है, नंबर ऑफ नोड्स वो 128 है, एक्टिवेशन फंक्शन रेल्यू है और जो आउटपुट लेयर है उसमें एक सिंगल नोड है और उसका एक्टिवेशन फंक्शन लीनियर है। ये सब कुछ आपको पहले से पता है। हम जो ऑप्टिमाइजर यूज कर रहे हैं वो है एडम और उसका लर्निंग रेट हमने सेट किया है 0.01। ठीक है, MSE को हम ट्रैक करेंगे, मीन स्क्वायर्ड एरर को, वही हमारा लॉस फंक्शन होगा। और ये रहा हमारा मेन कोड जहां पे हम अपने मॉडल को फिट कर रहे हैं एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के ऊपर फॉर 500 epochs। ठीक है, इतना ज्यादा epochs जब आप चलाते हो तो जनरली ओवरफिटिंग होता है। वैलिडेशन डेटा में मैंने एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट को पास कर दिया एंड जैसे ही मैंने इस कोड को रन किया मेरा मॉडल ट्रेन हो गया। आपको ये कोड मैं दे दूंगा, आप एक बार चला के देखना। उसके बाद मैंने अपने मॉडल को इवैल्यूएट करना शुरू किया और जब मैंने इवैल्यूएट किया तो आई नोटिस कि ट्रेनिंग में जो लॉस था वो था 0.003 मीन स्क्वायर एरर, बट टेस्ट के ऊपर वो ऑलमोस्ट 10% ज्यादा था, लाइक 0.04। ठीक है, तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो, इनफैक्ट मैंने यहां पर प्लॉट भी किया है। दिस इज द डिसीजन बाउंड्री, दिस इज नॉट द डिसीजन बाउंड्री, दिस इज द कर्व, रिग्रेशन कर्व जो मेरे मॉडल को लग रहा है कि इस डेटा के ऊपर होना चाहिए। अगर आप ध्यान दो इस कर्व के ऊपर तो आप नोटिस करोगे कि आपका जो ब्लू कर्व है, जो रिग्रेशन लाइन है, लाइन नहीं बोलेंगे, कर्व ही बोलेंगे इसको, वो बहुत ज्यादा ब्लैक वाले पॉइंट्स के साथ साथ होके गुजर रहा है। ब्लैक वाला पॉइंट हमारा ट्रेनिंग पॉइंट है और यू कैन सी रेड पॉइंट से उसको ज्यादा मतलब नहीं है। सो ये एक तरीके से बता रहा है कि यहाँ पे ओवरफिटिंग हो रहा है। ये बताने का दूसरा तरीका है कि आप ये वाला कर्व प्लॉट करके देख लो। मैंने वैलिडेशन डेटा के ऊपर और टेस्ट ट्रेनिंग डेटा के ऊपर जब ये ग्राफ प्लॉट किया तो यू कैन सी कि हमारा जो वैलिडेशन लॉस है वो ज्यादा है और देयर इज अ गैप बिटवीन ट्रेनिंग एंड टेस्ट वाला लॉस। ठीक है, विच अगेन प्रूव्स कि यहाँ पे ओवरफिटिंग हो रहा है। ठीक है, तो ओवरफिटिंग तो हो रहा है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे यूजिंग ड्रॉपआउट्स। ठीक है, सो हम क्या करने वाले हैं, हम एक बिल्कुल सेम नया मॉडल बना रहे हैं, सेम आर्किटेक्चर है, चार लेयर्स हैं, एक इनपुट, दो हिडन और एक आउटपुट लेयर, हिडन में 128 नोड्स हैं, बाकी सब कुछ सेम है। जो डिफरेंट है वो है ये कि हम हर लेयर के बाद, इनपुट के बाद एक ड्रॉपआउट लेयर लगा रहे हैं और हम ड्रॉपआउट रेशियो रख रहे हैं 0.2, मतलब हमें 128 आपका ऑफ चाहिए, मतलब हिडन में से 0.2% न्यूरॉन्स या नोड्स ऑफ करने हमें। ठीक है, सेम चीज मैंने लगाया सेकंड वाले हिडन लेयर के ऊपर, आउटपुट के ऊपर आप नहीं लगा सकते तो मैंने नहीं लगाया।
ठीक है। सो बेसिकली बस एक ही डिफरेंस है कि हमने यहाँ पे ड्रॉप आउट लगा दिया। लर्निंग रेट बिल्कुल सेम है, एडम ऑप्टिमाइजर यूज कर रहे हैं, एमएससी को ट्रैक कर रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम है। और अब जब मैंने इस मॉडल को ट्रेन किया और उसके बाद इवेल्युएट किया, तो ये देखो इस बार हमारा ट्रेनिंग लॉस थोड़ा सा बढ़ गया है, 0.01 के पास पहुंच गया, लेकिन हमारा जो टेस्ट लॉस है वो थोड़ा रिड्यूस कर गया और इन दोनों के बीच में जो गैप था वो भी कम हो गया, विच शोज कि ओवरफिटिंग हमने बचा लिया। ठीक है, इनफैक्ट यहां पे जब मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया तो आप नोटिस करो इस ग्राफ में और उस ऊपर वाले ग्राफ में देयर इज अ डिफरेंस। ये वाला ग्राफ बहुत ज्यादा स्पाइकी है, स्पाइकी इन द सेंस डेटा में जो छोटे छोटे भी चेंजेस हैं उसके लिए भी बहुत सेंसिटिव है, वेयर एज जब आपने ड्रॉप आउट लगाया तो आपका ये ग्राफ थोड़ा स्मूदन हो गया, एज इफ वो डेटा के कॉन्सेप्ट्स को पकड़ रहा है, उसको रटने की कोशिश नहीं कर रहा। ठीक है, और जब मैंने फिर से ये वाला ग्राफ प्लॉट किया ट्रेनिंग लॉस और वैलिडेशन लॉस में, यू कैन सी इन दोनों के बीच का जो गैप था वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट करने को दे रहा हूं, आपका काम है कि आपको इस मॉडल को रीट्रेन करना है, फिर से ट्रेन करना है, 0.2 के बदले आपको ड्रॉप आउट रेशियो रखना है 0.5 का, और करके देखो और ये आगे का कोड रन करके देखो और अपने ऑब्जर्वेशन को लिखो कि क्या हुआ वहां पे। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग आपको दिखाई देगा। तो ये तो हो गया हमारा रिग्रेशन प्लॉट। अब मैं आपको जल्दी से सेम चीज करके दिखाता हूँ एक क्लासिफिकेशन सेटिंग में। सो मैंने एक और नोटबुक बना रखा है, अगेन यहाँ पे मैंने अपना एक्स एज इन अपना डेटा क्रिएट किया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने वाई क्रिएट किया है और मैंने उसको प्लॉट किया है। तो ये बेसिकली एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है जहाँ पे दो इनपुट कॉलम्स है और एक आउटपुट कॉलम है और मेरा जो डेटा है वो सॉर्ट ऑफ लीनियरली सेपरेबल है, कुछ ब्लू पॉइंट्स येलो रीजन में है, कुछ येलो पॉइंट्स ब्लू रीजन में है, बट यू गेट द आइडिया। अब मुझे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मैंने क्या किया, फिर से एक ANN बनाया, मैंने सेम आर्किटेक्चर यूज किया, बस लास्ट वाले लेयर में इस बार लीनियर के बदले हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है सिग्मॉइड। ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। आगे का कोड भी बिल्कुल सेम है, आगे का कोड बिल्कुल सेम है एंड यू वुड सी कि जब मैंने इस मॉडल को ट्रेन किया लास्ट में आप जाके देख सकते हो जब 500 epochs हो गए तो लास्ट में ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो है वो मेरा 92% के आसपास आ रहा है लेकिन वैलिडेशन एक्यूरेसी 74 पे जाके रुक गया, विच इज अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पे ओवरफिटिंग हो रहा है। मैंने फिर से यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया एंड यू कैन सी कि ये जो डिसीजन बाउंड्री बन रही है ये बहुत स्मूद नहीं है और ऑब्वियसली छोटे छोटे जो सेंसिटिविटीज हैं आपके डेटा में उसको कैप्चर कर रही है। जैसे यहाँ पे देखो ये जो कुछ ऑरेंज पॉइंट्स हैं आपके ब्लू रीजन में ये उनके लिए एक अलग डिसीजन बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, विच इज नॉट गुड। ऑब्वियसली नए अनसीन डेटा पे परफॉर्मेंस खराब ही रहेगा। ठीक है, मैंने जब ये ग्राफ प्लॉट किया था ये तो और भी खतरनाक था, यू कैन सी ऑरेंज वाला कर्व ऊपर भागते जा रहा है और ब्लू वाला नीचे जा रहा है तो गैप बढ़ते जा रहा है, विच मीन्स ओवरफिटिंग हो रहा है। ठीक है, और फिर से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बाय द वे मैंने एक्यूरेसी के ऊपर भी एक ग्राफ प्लॉट किया एंड यू कैन सी देयर इज अ गैप, तो विच शोज देयर इज एन ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग का टेंडेंसी है। ठीक है, मैंने फिर से एक नया मॉडल बनाया, इस बार मैं ड्रॉप आउट यूज करूंगा, यू कैन सी मैंने ड्रॉप आउट यहाँ पे लगाया, मैंने ड्रॉप आउट यहाँ पे लगाया और बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। और अब जब मैंने इसको प्लॉट किया, एक काम कर लेते हैं, इस कोड को एक बार फिर से रन कर लेते हैं, एक काम कर रहा हूँ मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ, एक्स और वाई को मैंने रन किया, मैं नीचे गया और यहाँ पे इसको मैंने फिर से रन किया, ऑल्सो उसके पहले हमें इन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, अब देखो हमने इसको रन किया, अब ये मॉडल ट्रेन होगा, इट विल टेक सम टाइम और अभी मैंने मेरा ड्रॉपआउट रेशियो रखा है 0.2 एंड आई विल शो यू कि 0.2 से क्या होगा। एक्चुअली इस डेटा के ऊपर जब मैंने 0.2 करके चलाया तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये देखो इनफैक्ट अभी भी ओवरफिटिंग हो रहा है, ऑरेंज पॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ब्लू पॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेट मी शो यू, ये देखो इसको जब मैंने रन किया, जस्ट वन सेकेंड, कुछ डिपेंडेंसीज हैं वो हमें पहले एक बार रन कर लेनी चाहिए।
या इसको रन करते हैं। ये देखो गाइस, ऑल्सो जस्ट वन सेकेंड यार, हमें एक बार अच्छे से सारा रन कर देना चाहिए था। एक्चुअली मैंने सारी लाइब्रेरीज अलग अलग सेल्स में इम्पोर्ट की हैं, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इम्पोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज PLT। इसको एक बार रन करते हैं और नीचे जाते हैं और इसको फिर से रन करते हैं, एंड वी शुड सी द राइट ग्राफ। ये देखो, अभी भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ जब हमने 0.2 लगाया। ऑल्दो आप नोटिस करोगे कि थोड़ा सा आपका जो ओवरफिटिंग का टेंडेंसी है वो रिड्यूस होगा जरूर। ये देखो, थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे देखो आप, स्केल देखो 1.25 का स्केल है, वेर एज ऊपर जो ग्राफ है इसमें स्केल आपका बहुत ज्यादा है, 3.5 तक चला जा रहा है। तो ओवरफिटिंग का टेंडेंसी थोड़ा रिड्यूस हो रहा है। बट अगर आपको थोड़ा और इम्प्रूव करना है इस मॉडल को, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ा देना चाहिए। 0.2 से 0.5 किया मैंने और इस मॉडल को फिर से ट्रेन किया, और इस बार आप देखोगे कि आपको एक बहुत स्मूथ डिसीजन बाउंड्री मिलेगा। लेट्स वेट। ये देखो गाइस, एंड यू कैन सी गाइस, अब कोई भी वो छोटा छोटा डिसीजन बाउंड्री नहीं बन रहा है, और एक बहुत क्लियर लाइन बन के आ रही है जो एक सही रिप्रेजेंटेशन है इस डेटा के ऊपर। ठीक है, कोई भी छोटे छोटे वो ब्लॉक्स नहीं बन रहे हैं जो ओवरफिटिंग बता रहे थे। ठीक है, अब अगर आप आगे जाओ और इस कोड को फिर से रन करो, यू वुड सी ये गैप और रिड्यूस हो जाएगा। ये देखो, अब ये 1.2 के स्केल पे आ गया, जो पहले 1.5 के स्केल पे था और उसके पहले 3.5 के स्केल पे था। ऑल्सो अगर आप एक्यूरेसी के ऊपर भी एक कर्व प्लॉट करो, यू वुड सी कि वो गैप बहुत रिड्यूस हो जाएगा। यू कैन सी गैप बढ़ नहीं रहा है, कंसिस्टेंट है। तो ये रहा एक सीधा सीधा डेमोन्स्ट्रेशन जहां पे ड्रॉप आउट क्लियरली फायदेमंद है। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे जाओ, यू वुड सी कि आपका जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है वो बहुत बढ़ जाएगा। मैंने वर्बोज ऑन कर दिया जस्ट टू शो यू कि आफ्टर 500 ईपॉक्स वैलिडेशन एक्यूरेसी कितना है, जस्ट टू शो यू। पहले वो 74 के आसपास था, अभी देखते हैं कितना है। ये देखो गाइस, वैलिडेशन एक्यूरेसी 83 तक पहुंच गया, जो पहले 74 पे जाके रुका हुआ था। ठीक है, तो आई गेस दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि ड्रॉप आउट से सच में फायदा होता है। ड्रॉप आउट इनफैक्ट इज अ फॉर्म ऑफ रेगुलराइजेशन, इट इज अ काइंड ऑफ रेगुलराइजेशन, इट्स कॉल्ड रेगुलराइजेशन बाय रैंडमाइजेशन। ठीक है, तो इट हेल्प्स। ठीक है, तो ये आपको यूज तो करना ही चाहिए। अब हम लोग एक चीज और डिस्कस करेंगे कि पी का एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या होता है आपके मॉडल के ऊपर। पी क्या होता है, ड्रॉप आउट रेशियो, उसको बढ़ाने से क्या होगा। जैसे हम जनरली 0.2 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर 0.5 तक जा रहे हैं, तो होता क्या है वो देखते हैं हम लोग। सो पी का इम्पैक्ट पहले एक रिग्रेशन सेटिंग पे समझते हैं। यहाँ पर देखो, ये था जब हमने ड्रॉप आउट बिल्कुल यूज नहीं किया था, विच बेसिकली मींस कि आपका पी का वैल्यू जीरो था, ड्रॉप आउट रेशियो जीरो था, कोई भी नोड अलग नहीं हो रहा था। जैसे ही हमने उसको 0.2 किया, ये देखो थोड़ा सा स्मूदन हो गया। जब हमने उसको 0.5 किया तो वो और भी स्मूदन हो गया, और जब मैंने उसको 0.75 किया तो वो काफी स्मूदन हो गया। तो इन शॉर्ट, जब आपका पी का वैल्यू बहुत कम होता है तो ओवरफिटिंग होता है, और जब पी का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है तो अंडर फिटिंग होने लगता है। तो आपको 0.2 से लेके 0.5 के बीच में रहना चाहिए, वहीं पे आपको सही रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, जैसा आपको इस एग्जांपल में भी दिखाई दे रहा है। ये सेम चीज मैंने नीचे भी करके दिखाई है। ये था विदाउट ड्रॉप आउट, बेसिकली पी इज इक्वल टू जीरो, और यह है पी इज इक्वल टू 0.5, एंड यू कैन सी बहुत स्मूथ एक आपको डिसीजन बाउंड्री मिल रही है। ठीक है, तो पी घटाने से ओवरफिटिंग होता है, पी बढ़ाने से आपका अंडर फिटिंग होता है, बीच में कहीं पे आपको रहना पड़ेगा। तो अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताता हूँ, अगर आप ड्रॉप आउट यूज कर रहे हो अपने न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर में तो कैसे करना चाहिए। सबसे पहला टिप मेरी साइड से ये है कि, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है वैसे, कि अगर आपको दिख रहा है कि ओवर फिटिंग हो रहा है तो पी की वैल्यू को इंक्रीज करना, अगर आपको लग रहा है कि अंडर फिटिंग हो रहा है
तो पी की वैल्यू को डिक्रीज करने लग जाना. दैट इज द फर्स्ट टिप दैट आई कैन गिव यू. सेकेंड इज कि कई बार मैंने देखा है कुछ जो अच्छे न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स हैं उनमें लास्ट लेयर के बाद ड्रॉप आउट लगाया जाता है, उसके पहले नहीं लगाया जाता. तो ये चीज आप भी ट्राई आउट कर सकते हो कि आपने जो न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाया है सीधे सभी के ऊपर ड्रॉप आउट मत लगाओ, पहले एक बार सिर्फ लास्ट वाले पे लगा के देखो और देखो कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं, और फिर आप बाकियों के साथ भी ट्राई आउट करो. बट यू कैन स्टार्ट विद द लास्ट लेयर, दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी. थर्ड इज कि अगर आप CNNs के साथ काम कर रहे हो, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको 40-50% पे अगर आपका ड्रॉप आउट रेशियो है तो ज्यादा सही रिजल्ट्स मिलते हैं, और 20-30 आपका रहता है फॉर RNNs. ठीक है, और ANN के केस में यार ये वेरी करता है, 10 से लेके 50 तक कहीं भी आपको सही रिजल्ट मिल सकता है, 50 के ऊपर मैंने नहीं देखा है ज्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हुए. ठीक है, तो ये तीन चीजों का आपको ख्याल रखना है. अगर ये तीन चीजों का आप ख्याल रखोगे तो जनरली आपको अच्छे रिजल्ट मिल ही जाएंगे. ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ ड्रॉबैक्स का. तो दो मेजर ड्रॉबैक्स हैं. पहला जो ड्रॉबैक है और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि जो कन्वर्जेंस होता है, कन्वर्जेंस का मतलब न्यूरल नेटवर्क अपने सही वेट्स और बायसेस पे जो पहुंचता है उसमें एक डीले आता है जब आप ड्रॉप आउट्स यूज करते हो, तो ट्रेनिंग थोड़ा स्लो हो जाता है. दूसरा जो परेशानी है वो ये है कि आपका जो न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है उसका जो लॉस फंक्शन है या कॉस्ट फंक्शन आप बोल सकते हो, उसका वैल्यू चेंज हो जाता है. वैल्यू चेंजेस, और ये लॉजिकल है, सोच के देखो, क्योंकि आपका जो कॉस्ट फंक्शन है वो इस पूरे न्यूरल नेटवर्क को पकड़ के चल रहा है, राइट, हर नोड को पकड़ के चल रहा है. बट हर ईपॉक में क्या हो रहा है कि मान लो आपने इसको हटा दिया तो अब आपने सारे नोड्स तो लिए नहीं, तो सारे नोड्स अगर आपने लिए, अगर लिए नहीं तो आपका लॉस फंक्शन हैज टू चेंज, राइट. तो ये चेंज की वजह से ग्रेडियंट्स का जो कैलकुलेशन होता है ना वो समझने में, उसको डीबग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ ड्रॉप आउट्स, कि अगर आप डीबग करने जाओगे अपने न्यूरल नेटवर्क को कि उसमें गड़बड़ कहां पे हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, तो सिंस लॉस फंक्शन वेरी करता रहता है ग्रेडियंट का कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और उसकी वजह से थोड़ा परेशानी हो सकता है. बट अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स ड्रॉप आउट में और कोई परेशानी नहीं है, और जनरली आपको फायदा ही देगा ड्रॉप आउट, आपको लगा लेना चाहिए. ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है. अब बस वीडियो खत्म करने के पहले एक लास्ट चीज, अगर आप थोड़ा और डीप लेवल पे ड्रॉप आउट्स को समझना चाहते हो कि मैथमेटिकली ये पूरी चीज कैसे काम करती है, या फिर आप खुद से स्क्रैच से इसका कोड लिखना चाहते हो, तो आई वुड रिकमेंड कि जो इसके ऊपर ओरिजिनल पेपर आया था आप एक बार जाके ये पढ़ने की कोशिश करो. थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा लंबा भी है, अराउंड 30 पेजेस का है. हाँ, 30 पेजेस का है, तो कुछ जगहों पे ऐसा लगेगा समझ में नहीं आ रहा, बट मल्टीपल टाइम्स पढ़ने पे आप थोड़ा आइडिया डेवलप कर लोगे कि एग्जैक्टली ड्रॉप आउट मैथमेटिकली काम कैसे करता है. ठीक है, तो थोड़ा सा मैट्रिक्स कैलकुलेशन है इसमें इन्वॉल्व, बट आई वुड रिकमेंड अगर आपके पास टाइम है यू शुड गो थ्रू दिस पेपर एटलीस्ट एक बार. ठीक है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी नॉलेज मिलेगा. ठीक है, सो या दैट्स इट, हमने ड्रॉप आउट वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया. आई होप आपको समझ में आया. लास्ट वीडियो में हमने थ्योरी किया था, इस वीडियो में हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया. ये दोनों कोड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब. ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय.